सभी भाई बहनों को जय MC की। मेरा नाम किरण है, मैं यूपी की रहने वाली हूँ और मेरे 7 साल से रसौली थी, जिससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और मैं बहुत इलाज करवा रही थी। इलाज करवाया था, 4-5 लाख रुपए इसमें रसौली में खर्च हो गए थे और कहीं से मुझे आराम नहीं आ रहा था। मैंने डॉक्टर को दिखाया, बहुत दिखाया, उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया बहुत बारी, फिर उन्होंने यूट्रस रिमूव करने के लिए बोला 3-4 बारी, लेकिन फिर भी मैंने नहीं करवाया। मैं कहीं पर भी दिखाती थी तो रसौली ही उसमें आती थी। फिर उन्होंने बोला कि तुम्हें रिमूव करवानी पड़ेगी, तो मैंने नहीं करवाया। 3-4 जगह पे मैंने दिखाया, दोनों जगह सब जगह पे वो यही बोलते थे कि तुम्हें निकलवानी पड़ेगी। अगर वो कह रहे थे कि अगर नहीं निकलवाएगी तो उन्होंने बोला कि कैंसर बन जाएगा तुम्हें। और जहाँ पर भी मैं टेस्ट करवाने के लिए जाती थी तो उन्होंने भी यही बोला कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स कहते थे कि मुझे ये नहीं आ रहा है समझ में कि तुम्हें ट्यूमर है अंदर, कि कैंसर है, कि रसौली है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्या चीज़ है। और फिर डॉक्टर भी घबरा जाते थे उस चीज़ को देख कर। बड़े से बड़े हॉस्पिटल में मैंने दिखाया, कहीं से भी मुझे कोई आराम नहीं आया। लुधियाना में भी मैंने 3-4 डॉक्टरों के पास दिखाया, चंडीगढ़ में भी दिखाया, यूपी में भी दिखाया, कहीं से मुझे कोई आराम नहीं आया था। जब तक मैं दवाई खाती थी तो थोड़ा बहुत असर रहता था दवाइयों का, और उसके बाद में फिर से मैं दवाई खाती भी रहती थी, फिर भी मुझे दर्द रहती थी बराबर। दर्द में मुझे कोई आराम ही नहीं आता था बिल्कुल भी। जब मैं कोई काम करने लग जाती थी, काम करने से कभी कभी काम करने से पहले ही दर्द होने लग जाता था, या कभी काम करने के बाद बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता था। और फिर मैं अपने आप को मैं कंट्रोल नहीं कर पाती थी, मैं लोटी लोटी घूमने लग जाती थी पूरे बिस्तर पे, कहीं पर भी मैं पेट पकड़ के। मैं कई बार जब बहुत ज़्यादा दर्द होती थी तो मैं सुसाइड करने के लिए सोचती थी कि मैं यहाँ से नीचे कूद के अपनी जान दे दूँ, या पंखे में मतलब सुसाइड कर लूँ लटक के, ऐसा मेरा मन करता था बहुत ज़्यादा। मैं और कोई उम्मीद नहीं थी मेरी ज़िंदगी की, मेरे जीवन की, कि मैं बच जाऊँगी। किसी बहन ने फिर मेरे को पास्टर कंचन मित्तल के बारे में बताया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, तो उन्होंने कहा कि वहाँ चलोगी, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो पूरे मन से, मुझे विश्वास है कि तुम्हारी रसौली धुएँ की तरह उड़क जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जब मैं वहाँ पे गई तो मैंने बहुत सारी गवाहियाँ देखी, किसी की रसौली निकल रही है, किसी की पथरी निकल रही है, किसी को मतलब बहुत सारी बीमारियाँ ठीक हो रही थी। तो मुझे भी विश्वास है कि जब सब लोग ठीक हो रहे हैं तो मैं भी यहाँ से ठीक हो सकती हूँ। जब मम्मा ने हाथ रख के मेरे पेट पे प्रार्थना किया तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे पेट, तुम्हारी हर एक रसौली, हर एक चीज़ स्वर्गदूत उसे सर्जरी करके बाहर निकाल रहे हैं। तो जब मैंने उस प्रार्थना को रिसीव किया तो सेम वैसे ही मेरे साथ हुआ, और मुझे एहसास भी होता था कि कोई मेरे अंदर सर्जरी कर रहा है। मुझे सच में वो आवाज़ आती थी। जितने भी भाई बहन मेरी इस गवाही को देख रहे हैं, आप सब भी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कीजिए। और जैसे मेरे जीवन में प्रभु ने मतलब इतना बड़ा काम किया है, मुझे विश्वास है कि आपके जीवन में भी प्रभु ऐसे ही काम करेंगे। अब मैं ठीक हो चुकी हूँ और मैं अच्छे से काम कर सकती हूँ, आप सब देख सकते हो। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, पास्टर कंचन मित्तल मम्मा का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अब मैं अपने जीवन की दूसरी गवाही बताना चाहती हूँ, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे 7 साल की एलर्जी से मुझे आज़ाद कर दिया है। पहले मैं मतलब बचपन से ही मेरे को इस चीज़ के बारे में मतलब ज़्यादा वो शौक़ नहीं था होली के कलर्स खेलने का कभी भी। और फिर उसके बाद में एक बहन ने मेरे को कलर लगा दिया मेरे सिर पे और कंधों पे, पूरी बॉडी पे लगा दिया, तो जहाँ जहाँ तक वो कलर गया था वहाँ वहाँ तक मेरे पूरे बहुत दाने बड़े बड़े हो गए थे, और सिर के बालों में भी बहुत ज़्यादा वो हो गई थी, एलर्जी हो गई थी, दाने बहुत बड़े बड़े पड़ते थे, कभी वो ठीक ही नहीं होते थे, जाते ही नहीं थे कहीं। फिर उसके बाद में मैंने दवाइयाँ भी ली, खाई भी, उससे कोई आराम नहीं आया मेरे को, और दर्द भी होती थी मेरे को, खारिश भी होती थी, स्किन मतलब बहुत ज़्यादा वो हो जाती थी, और मेरे सिर में इतनी ज़्यादा दर्द होती थी कि मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं।
कभी दाने ही नहीं जाते थे, हमेशा सिर पूरे फेस पे सिर पे दर्द ही रहता था हमेशा। संगति में लगातार बनी रही, मुझे विश्वास था कि जब मेरी रसोली जा सकती है तो मेरी एलर्जी भी चली जाएगी। लगातार संगति में जाती रही, फिर मम्मा ने बोला फायर प्रेयर में कि जिस जगह पे तुम्हें एलर्जी है अपनी एलर्जी वाली जगह पे हाथ रखो, तो मैंने हाथ रखा और मेरी एलर्जी पूरी तरह से चली गई। इसी समय आपकी रसोलियां बाहर आ रही है, आपकी इन्फेक्शन बाहर आ रही है। मैं देख रही हूँ एक बहन को यूरिन की इन्फेक्शन है, बहुत अधिक इन्फेक्शन है, अभी आपको प्रभु हील कर रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। मैंने अपनी एलर्जी को चेक किया और अब 6 महीने हो चुके हैं, मुझे कोई एलर्जी नहीं है और अब अच्छे से मैं काम कर सकती हूँ और मुझे कोई एलर्जी नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। और इन सब गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और पास्टर कंचन मित्तल का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और उनके द्वारा मैं बहुत अच्छे से ठीक हो चुकी हूँ। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।